हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत स्पेशल आलू का पराठा। इस पराठे की खास बात यह है कि इस पराठे को बनाने के लिए हम कोई भी व्रत में खाए जाने वाला आटा यानी कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का, राजगिरे का आटा यूज़ नहीं करेंगे। और फिर भी जो ये पराठा है वो बाहर से एकदम क्रिस्पी होकर अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये प्यारी सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो आलू का पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी समा या सामक के चावल। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ इसे समा के चावल बोलते हैं और स्पेशली इसको व्रत में ही खाया जाता है। तो इन चावलों को हम जार में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद इसे बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे। तो जितना फाइन पाउडर हो सके उतना हमें करना है, उसी के हिसाब से फिर हमारा जो पराठे का टेक्सचर है ना वो आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लिया है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब इसके बाद हम कढ़ाई के अंदर एक टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप रिफाइंड ऑयल नहीं खाते तो इसकी जगह फिर आप एक चम्मच देसी घी भी डाल सकते हैं। तो जब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा, साथ में ही कद्दूकस किया हुआ अदरक, यहाँ मैंने आधी छोटी चम्मच लिया है। और अब इसको हल्का सा हम भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे पौने दो कटोरी पानी, यानी दो कप से थोड़ा सा कम इसमें हमने पानी डालना है। तो फ्रेंड्स, जिस कटोरी से मैंने समा के चावल लिए हैं उसी कटोरी से यहाँ मैंने पौने दो कटोरी पानी लिया है। अब इसके अंदर हम तीन कुटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। और साथ में एक छोटी चम्मच दर्दरी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर फ्रेश कूट के डालेंगे ना तो उसका परांठे में टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और साथ में ही एक छोटी चम्मच हम डाल देंगे सेंधा नमक, या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और बस अब इसमें जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया। और धनिया डालने के बाद अब इसे हाई फ्लेम पर हम एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। जब हमारे पानी में इस तरीके से बढ़िया सा एक उबाल आ जाए उसके बाद हम आंच को बिल्कुल धीमे पर रखेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे चावल का आटा जो हमने अभी पीस कर रखा हुआ है। बस इसे डालने के बाद अच्छे से इसको हमें मिक्स करना है और स्पैचुला से हम इसको इस तरीके से दबाते हुए मिक्स करेंगे ताकि जो इसके अंदर जो गुठलियाँ पड़ जाती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ इस आटे ने सारे को सोक कर लिया है और एकदम से ये थिक हो गया है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आलू को हमें कद्दूकस करके डालना है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उसके अंदर कोई ज्यादा गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर करीबन हम 1/3 कप यानी आधे कप से थोड़ा सा कम हम डाल देंगे रोस्ट की हुई मूंगफली का पाउडर। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डाल दें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। पर इससे पराठा खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। तो बस अब इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम गैस की जो आंच है उसको बंद कर देंगे और ये जो हमारा डो है इसको हम किसी भी बड़ी प्लेट या परात में निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसको फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। बस बीच बीच में थोड़ा बहुत इसको हमें चलाते रहना है ताकि जो इसकी ऊपर की लेयर है वो ड्राई ना हो। तो इधर डो बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब अपने हाथों पे थोड़ा सा घी या ऑयल लगाएंगे और इसको बढ़िया से मैश करते हुए इसका एक चिकना सा डो तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो डो है अच्छे से बन नहीं रहा है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इसको इस तरीके से बनाने में, तो आप क्या करें, इसके अंदर आप कोई भी मतलब जो व्रत में हम आटा खाते हैं जैसे कुट्टू का, राजगिरी का या जो भी सिंघाड़े का आटा आप खाते हैं वो इसके अंदर आप डाल लें, जिससे इस डो में एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। तो बस मैंने इसको बिल्कुल बढ़िया से जो है गूंथ लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ और चिकना इसका डो तैयार हो गया है। अब इस डो में से हम मीडियम साइज़ का जो पोर्शन है वो तोड़ेंगे और एक इसकी बिल्कुल स्मूथ सी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हम लेंगे इस तरीके से एक पॉलिथीन, आप इसकी जगह जो दूध की या नमक की थैली होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर पेपर भी आप ले सकते हैं। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर इसको बिल्कुल बढ़िया से ग्रीस कर लेना है। अब इसको अच्छे से एक बार ग्रीस करने के बाद जो हमने लोई तैयार की है वो इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। अब ये जो दूसरा हिस्सा है इसको हम इस तरीके से रख देंगे और हाथों से हल्का सा प्रेशर देते हुए इसको फैलाएंगे। अब आप चाहें तो सिर्फ हाथों से इसको फैला सकते हैं या फिर आप बेलन से इसको जो है हल्का सा जो है बड़ा कर लें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत नरम होता है आटा, बहुत आराम से आप इसको बेल सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं इसके जो किनारे वो पूरी तरीके से फटे हुए हैं। तो अब हमारे सारे पराठे एक जैसे बने उसके लिए हम इस तरीके से कोई पैन के किनारों वाली कटोरी ले लेंगे
लेंगे और इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल लेंगे और इसको बाकी के आटे में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया से हमारा पराठा बन गया। अब आप चाहें तो इस टाइम पर सारे जो पराठे एक बार बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर साथ साथ में भी बना सकते हैं, तो जैसा आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप यहाँ पराठा बना लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहले से ही सारी एक बार रोटियाँ बनाकर रखना चाहते हैं तो आप क्या करें, इन रोटियों को अलग अलग कर कर ही रखिएगा, एक के ऊपर एक बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो ये एक दूसरे के साथ चिपक सकती हैं। तो बस अब इन रोटियों को हमें सेकना है, तो उसके लिए हम तवे को मीडियम गर्म कर लेंगे। उसके बाद इस पर थोड़ा सा घी या ऑयल लगा देंगे ताकि जो हमारी रोटी है इसके ऊपर चिपके नहीं, और बस ये रोटी इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे और बस मीडियम आंच पर इस पराठे को हम सेक लेंगे। तब नीचे से ये थोड़ा सा हल्का हल्का ब्राउन हो जाए, उसके बाद पलटे से इसको बहुत ही आराम से उठा लेना है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो ये पराठा है वो इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो थोड़ा सा आराम से इसको उठाइएगा। उसके बाद पलटने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा देंगे और बस अब इसको हल्का सा पलटे से दबा दबा कर अच्छा सा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज पे आप ध्यान रखिएगा कि आंच को आपने मीडियम ही रखना है। बीच बीच में आप थोड़ा बहुत मीडियम टू हाई के बीच में रख सकते हैं, बट हाई आंच पे बिल्कुल भी मत सेकिएगा, नहीं तो जो हमारा पराठा है ना वो ऊपर से एकदम से क्रिस्पी सा आपको नजर आएगा पर अंदर से वो कच्चा रह जाएगा, जो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं एकदम पराठा बढ़िया से सिक गया है, बहुत अच्छा इसमें कलर आ गया है। तो बस इसी तरीके से हम बाकी के जो ये पराठे हैं वो सेक लेंगे। तो आपने देख ही लिया फ्रेंड्स, इन पराठों को बनाना कितना आसान है, वो भी चावल के आटे के साथ में। तो फ्रेंड्स, ये जो पराठे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इन पराठों को आप जो है ना दही के साथ में या फिर जो पुदीने वाली व्रत की चटनी होती है ना उसके साथ खाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आप व्रत की चटनी देखना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी, आप उसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और बाकी मैंने अभी नवरात्रों की और भी वीडियो अपलोड की हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ट्राई जिएगा फ्रेंड्स रेसिपी को। अगर ट्राई करने के बाद आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।